अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक है? मैं परवीन आपा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आंवला, आंवला का मुरब्बा। सॉरी, आंवला का मुरब्बा स्टाइल में अचार, थोड़ा मसाला डाल के बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगी वो आपके साथ तो शेयर। ये मेरा 1 केजी आंवला है, ये देखिए, ये 1 केजी मेरा आंवला है जिसको मैं अच्छा से वॉश कर दी हूँ। ये वाला देखिए, ये मेरा छलनी है, ये मेरा छलनी है। मैं कुकर, ये मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ जिसमें मैं 1/2 लीटर पानी डाली हूँ। ये पानी मेरा गर्म हो रहा है, ये पानी मेरा अच्छा से गर्म हो रहा है। ये देखिए, इसको वॉश कर, इसमें ये मैं स्टीम करूँगी, इसमें मैं बैठा दे रही हूँ। ये देखिए, ये पानी का भाप से ये पूरा आंवला जो है स्टीम हो जाएगा, और इसको एक बड़ा ढक्कन से मैं ढाक दूंगी। ये आंवला मेरा पूरा स्टीम मेरा अच्छा से हो जाएगा। देखिए, ये मैं कढ़ाई में चढ़ा चुकी हूँ, गैस मेरा ऑन है, कढ़ाई चढ़ा चुकी, ये स्टीम हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी ये आपको तो देखने को मिलेगा। आंवला का मुरब्बा मैं बनाऊंगी मसाला डाल के, जिसको मैं स्टोर करके 1 ईयर के लिए रख सकती हूँ, जिसको मैं रखूंगी कांच के जार में, कांच के जार में मैं रखूँ। वो कैसे बनाऊंगी ये सारे चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे यहाँ बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। आज का वेदर ऐसा है कि लग रहा बारिश फिर से होगा। ठीक है, अभी आंवला बहुत सस्ता जा रहा है क्योंकि ठंड में ही आंवला होता है, गर्मी में तो आंवला मिलता है नहीं। तो मैं कैसे बनाऊंगी वही मैं सोची, मैं बना रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं उसको देखिए, ये मैं बॉईल करने के लिए चढ़ाई, अभी टाइम लगेगा बॉईल होने, क्योंकि अच्छा से बॉईल होगा तो फिर वो उसको मैं निकाल के कैसे बनाऊंगी आप देखिएगा। ये बॉईल हो जाएगा आंवला को, बॉईल स्टीम में ही बॉईल होगा, मैं पानी में डाल के बॉईल नहीं करती, मैं स्टीम में जैसे बॉईल करती वही मैं आपके साथ शेयर की। ओके, ये देखिए, ये मेरा आंवला बॉईल हो गया है, कितना अच्छा से पूरा आपका मेरा 25 मिनट लगा बॉईल करने में आंवला को। ये अभी ठंडा होगा, उसके बाद से मैं इसको, ये देखिए कितना अच्छा से बॉईल हो गया है। ये दाना देखिए खुद कहीं निकल जाएगा, तोड़ने की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये इसका सीड्स है, ये ठंडा हो जाए, खा के देखती हूँ कैसा है। मैं इसको जो बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, ये सारा मुरब्बा मेरा 1 केजी मुरब्बा जिसका मैं दाना सीड्स को निकाल के अलग कर चुकी हूँ, ये सारे तोड़ के रखी हूँ। ये देखिए, मैं इसको बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी ये देखिए, गैस में चढ़ाई हूँ, कुकर में चढ़ाई, सॉरी कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ गैस पे। ये मसाला है कुछ, ये काला जीरा, जीरा लौंग, काली मिर्च, सौंफ, ये सब चीज जरा से मैं भून लूंगी गरम। ये मेरा कढ़ाई गरम हो गया है और थोड़ा सा मैं धनिया यूज करूंगी, थोड़ा से ये धनिया सब 1 चम्मच करके, सब 1 चम्मच करके मैं ली हूँ, छोटा चम्मच का मेरा ये छोटा चम्मच का 1 चम्मच करके मैं ली हूँ। उसको मैं थोड़ा से भूनूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खट्टा मीठा और तीखा जो मैं घोल देके बनाऊंगी। इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी मिक्सी जार में, ये रहा मेरा, थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, बहुत मजे का होता है। ये देखिए, ये मेरा पूरा मसाला जो है ये भुना गया, इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ मिक्सी जार में, काफी गर्म है कढ़ाई, कि मेरे यहाँ इतना ज्यादा ठंड पड़ा हुआ, बारिश भी हो रहा है, बारिश भी हो रहा है। ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको कर दूंगी इसी कढ़ाई में,
गैस को फिर से ऑन करी हूँ। दो चम्मच में ज्यादा है, मैं दो चम्मच में ऐसे बनाती हूँ, वही मैं आपको सब वैसे ही कर रही हूँ। छोटा चम्मच का दो चम्मच में घी इसमें डाली हूँ। गैस को एकदम स्लो कर दी हूँ। ये घी में डाली हूँ, देखिए अन्नपूर्णा घी। अब ये जो मेरा आंवला है, थोड़ा से पहले मैं जीरा डालूंगी, गैस एकदम स्लो है, हाफ स्पून जीरा डालूंगी। हाफ स्पून काली मिर्च डालूंगी। और ये मैं आंवला पूरा डाल दूंगी। पूरा आंवला मेरा 1 kg है। इसको मैं थोड़ा भूनूंगी घी में। मैं सर मस्टर्ड ऑयल भी आपके पास मस्टर्ड में मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ, क्योंकि घी में डाली हूँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो एक बार जरूर बना के खा लीजिएगा। ये थोड़ा सा मेरे पास मिसरी है, ये देखिए ये काली मिसरी है, इसको मैं डाल दी। ये मेरा पास पूरा 1 kg घूर है, ये भेली घूर है, जिसको मैं टुकड़ा में ऐसे पीस पीस में काट दी, ये गल जाएगा। गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा देना। ये अपने से मेल्ट हो जाएगा, ये आस्ते आस्ते अपने मेल्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं डालना है, 1 कप बस। थोड़ा थोड़ा देर में हिलाइए कि गुड़ नीचे ना बैठे। सारा गुड़ इसमें पिघल जाएगा। ये कुछ मसाला है, ये लाल मिर्च है, ये काली मिर्च है, हल्दी है, नमक 1-1 चम्मच में यूज की हूँ, और 1 चम्मच अब कश्मीरी लाल मिर्च अच्छा कलर आने के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च में यूज की हूँ 1 चम्मच, और थोड़ा सा 1 चम्मच नमक यूज की हूँ। ये मेरा काला नमक है, उसको भी मैं 1 चम्मच यूज कर लूंगी, भर के 1 चम्मच काले नमक। मैं सौंफ डालने भूल गई थी, तो 1 चम्मच में सौंफ भी डाली, उसमें जीरा काली हाफ हाफ स्पून करके जीरा, काला जीरा और सौंफ, ये मैं भी। ये देखिए पूरा गुड़ एकदम मेल्ट हो रहा है, ये बहुत ही खट्टा मीठा और तीखा, बहुत ही मजे का आलू का मुरब्बा बनता है। आलू का ये अचार होता है, इसको आप 1 साल तक कांच का, इसमें ठंडा करके कांच का बॉल में रखिएगा, 1 साल तक बहुत ही मजा लगता है खाने में। ये देखिए इसका कलर, देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, सारा गुड़ मेल्ट हो रहा है। ये देखिए जो मैं मसाला में ग्राइंड की, जिसको मैं भूनी थी तवा पे, ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए अभी बहुत पतला है, बस सूखने में इसको टाइम लगेगा। ये गुड़ एकदम मेल्ट हो गया, पूरा गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है।
पूरा गुड़ देखिए एकदम मेल्ट हो गया ये मुझे सूखने में थोड़ा सा। इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, इतना अच्छा मैं बता नहीं सक रही हूँ, बहुत मज़े का खुशबू आ रहा है। आओ लगा खट्टा मीठा तीखा अचार बहुत टेस्टी होता है, आप ज़रूर बना के खाइएगा। ये बना के आप स्टोर करके रहती है, ऐसे मस्त बहुत से लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, मैं इसके बाद घी यूज़ की उसके फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा है। तो ज़रूर आप बना के देखिए, देखिए कितना अच्छा से बॉईल आ रहा है। सारा आंवला एकदम रस में डूब चुका है, बस ये रेडी है, उसको आपको लगा रहे अचार लगा के आपको धूप में गलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये रेडी है, इसको आप ठंडा हो जाएगा जान डाल दिए, इसको आप एक साल तक खा सकते हैं, एक साल क्या पांच जितना दिन भी लगे ये खराब नहीं होगा। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, मीठा परफेक्ट, तीखा परफेक्ट, खट्टा मीठा तीखा बहुत टेस्टी। बस ये थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद से मैं थोड़ा सा ग्रेवी, क्योंकि एकदम सुखाना नहीं है, क्योंकि ठंडा होने के बाद अपने आप गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा मेथी डालना देना, ज़्यादा नहीं, हाफ स्पून ज़्यादा नहीं, अब डाल देना। मूल मेथी लगने से थोड़ा तीखा कड़वापन लगता है, इसलिए मैं कम यूज करती हूँ। देखिए कितना गाढ़ा हो रहा है, अब ये गाढ़ा हो रहा है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत ही अच्छा स्मेल, आप जब बनाएगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये मेरा सूख गया है एकदम अच्छा से, एकदम गाढ़ा हो गया है, ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है, इसको ज़्यादा सुखाना नहीं है, ये जब ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, तब मैं गैस का फ्लेम को बंद कर रही हूँ। ये देखिए मैं गैस का फ्लेम को मैं बंद कर रही, अभी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद से मैं इसको जार में डाल दूँगी। ये कितना गाढ़ा हो गया है, ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा, जब ये ठंडा जाए तो फिर इसको मैं जार का कंटेनर में रखूँगी। ये देखिए ठंडा हो गया है, अब मैं इस जार में इसमें डालने जा रही हूँ। ये देखिए ये जार में मैं भर चुकी हूँ, ये रखने के लिए तैयार है, ये आराम से रह सकता है। अपना जो डिवेंट कर रही हूँ, अपने प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर सकें, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।